सभी को नमस्कार। आज हम अपना सातवां पाठ संकल्प सिद्धिदायक यह पढ़ने जा रहे हैं। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, सिद्धि मतलब सफलता, दायक अर्थात देने वाला। दृढ़ निश्चय हमें सफलता देने वाला होता है, यह हमारे शीर्षक का अर्थ है। पाठ आरंभ करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, उन्होंने अपनी मन की इच्छा अपनी माँ से कहा। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर के माता मेना उनकी माँ मेना चिंताकुला अभवत, बेचैन हो गई, परेशान हो गई। मीना ने अपनी बेटी पार्वती को समझाते हुए कहा, वत्से बेटी, मनीषिता देवता, मन से चाहे हुए जो देवता होते हैं, हम जिन देवताओं को मन से चाहते हैं वे गृहे एव संति, घर में ही रहते हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या तो बहुत कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव, यहीं पर में तवाभिलाषः, तुम्हारी मन की इच्छा अभिलाषा सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती जी कहती हैं, अम्ब माँ, तादृशः अभिलाषः तु, उस प्रकार की अभिलाषा जो मैंने की है भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने की, वह अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा, नहीं तो, तादृशं पतिम, उनके जैसा पति कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। माँ कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, अरे बेटी तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो। यह सुनकर के पार्वती जी अपनी माँ मीना को समझाती है, सत्यम, यह सत्य है, लेकिन परम अर्थात लेकिन मम मनः, मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, बहुत बेचैन हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य, और सिद्धि को प्राप्त करके, सफलता को प्राप्त करके पुनः फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारे ही पास आ जाऊंगी। इसलिए अद्यैव विजयया साकम, इसलिए मैं आज ही अपनी सहेली विजया के साथ में गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर नाम के पर्वत पर मैं जा रही हूँ। ऐसा कह करके पार्वती जी वहाँ से निकल जाती हैं, और वहाँ जाकर के उनके द्वारा बहुत कठोर तपस्या की जानी शुरू हो जाती है। वो बहुत कठोर तपस्या करने लगती हैं, और उनकी तपस्या कैसी होती है, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च, और पार्वती जी अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से, अर्थात सभी प्रकार से तपः एव तपति स्म, वह सिर्फ तपस्या ही करती रहती थी। कदाचित किसी समय, किसी रात्रि के समय भी स्थंडिले, कभी जमीन पर में, स्थंडिल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि, कदाचित च, और कभी कभी शिलायाम, किसी पत्थर पर में स्वपिति स्म, सो जाया करती थी। उनको यह भी होश नहीं रहता था, वह तपस्या में इतनी खो गई थी कि जिसके कारण से वह यह भी सोचना छोड़ दिया था उन्होंने कि वह किस अवस्था में है, कहाँ पर में है। इतनी कठोर तपस्या देख करके और उनकी सफलता न देख करके उनकी सहेली विजया एक बार उनसे कहती है, सखी, सहेली, तपः प्रभावात, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशुवो भी, बड़े बड़े हिंसक भयानक पशु भी तव सखायः जाता है, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि जो कि बहुत कठोर व्रत है, बहुत कठिन तपस्या है, उस तपस्या को भी, उस व्रत को भी तुमने पूरा किया।
पुनरपि लेकिन इतना होने के बावजूद भी तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत् पूरी नहीं हुई है। पार्वती जी अब उनको समझाते हुए कहती हैं अय विजये अरे विजया किम न जानासि क्या तुम्हें नहीं पता मनस्वी मन से कार्य करने वाला व्यक्ति कदापि कभी भी धैर्यम न परित्यजति धैर्य नहीं छोड़ता है कभी भी वह अपने धीरज को त्यागता नहीं है अपिच और इसके साथ साथ में मनोरथानाम अगति ही नास्ति हमारी मन की इच्छाएं पूरी न हो ऐसी भी बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे मन की जो इच्छा होती है वह पूरी हो सकती है। यह सुनकर के विजया फिर से उनसे कहती है त्वं वेदम अधीतवती तुमने वेद पढ़े यज्ञम संपादितवती यज्ञ पूरे किए यज्ञ किए तपः कारणात् तपस्या के कारण से तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण से जगति तव प्रसिद्धि ही इस संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपर्णा इस नाम से अपि त्वं प्रतिता इससे भी तुम जाने जाने लगी हो पुनरपि इतना होने के बावजूद भी तपसः फलम नैव दृश्यते तपस्या का फल तपस्या का परिणाम दिखाई नहीं पड़ता है। तो तुम क्यों तपस्या छोड़ करके अपने घर नहीं क्यों नहीं लौट जाती हो। तो जब पार्वती जी ने अपनी सहेली विजया की इस बात को सुना तो इसे सुन करके वह उसको समझाने लगती हैं कि अय आतुर हृदय अरे आतुर हृदय वाली आतुर हृदय शब्द का अर्थ होता है जो बहुत जल्दी घबरा जाता है जो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। तो वो कहती है कि जो अरे आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता तुम क्यों चिंतित हो रही हो तुम क्यों बेचैन हो रही हो। और कुछ वह कहने जा रही थी इसके पहले ही उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या आवाज़ आती है अय भो अरे अरे अहम आश्रम वट हूँ मैं आश्रम में रहने वाला बालक हूँ जलम वांछामी और पानी चाहता हूँ पीने के लिए। यह आवाज़ सुनकर के पार्वती जी चौंक जाती हैं ससंभ्रमम अर्थात चौंकते हुए कहती हैं विजये अरे विजया पश्य देखो देखो कोपि वटुः आगतोस्ति कोई बालक आया हुआ है। हाँ पार्वती की बात सुनकर के विजया क्या करती है झटिति अगच्छत झटिति शब्द का अर्थ होता है शीघ्रता से अगच्छत चली गई वह शीघ्रतापूर्ण वहाँ चली गई सहसैव तभी अचानक से ही वटु रूपधारी बालक के रूप धारण करके शिवः तत्र प्राविशत भगवान शंकर वहाँ प्रवेश करते हैं और उस बालक को देख करके उसको पहचान नहीं पाती कि यह शिव है। तो वह बालक को देख करके विजया कहती है वटो अरे बालक स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है उपविशतु भवान आप बैठो इयम मे सखी पार्वती और अपनी सहेली पार्वती की ओर इशारा करते हुए कहती हैं इयम मे सखी यह मेरी सहेली है पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मैं तपस्या करती है। यह बात सुनकर के वह जो ब्राह्मण वेश में आए हुए भगवान शंकर थे वह पार्वती की परीक्षा लेने के लिए क्या क्या करते हैं यह सब बातें हम अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए घर पर में रहिए धन्यवाद।